सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है Realme का और ये है Realme का C30 मॉडल। यहाँ पे पीछे मॉडल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं RMX 3581 इसका मॉडल है, यानी कि इसको अगर आप इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च करेंगे RMX 3581 तो यहाँ पे निकल के सामने आएगा Realme C30 मॉडल। तो यहाँ पे Realme C30 और Realme C33 दोनों में सेम कॉम्बो लगता है, ये भी आपको जानकारी देते चलता हूँ क्योंकि अभी नया फ़ोन है तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे इसका अभी हम करने वाले हैं FRP बाईपास। तो यहाँ पे एक्चुअली फ़ोन में दो तीन तरह की दिक्कत है तो हम सब कुछ इस वीडियो में एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए फ़ोन नॉर्मली तो चालू है लेकिन यहाँ पे जैसे स्क्रीन का इसका चालू कर रहा हूँ तो ये देखिए पूरा ऊपर का दिखा रहा है और नीचे बैक बटन वगैरह दिखा रहा है और ऊपर केवल इसका नोटिफिकेशन वाला दिखा रहा है और नोटिफिकेशन बार नीचे करने पर सेलेक्ट हो रहा है बट इसके अलावा इस स्क्रीन में कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है। स्विच ऑफ के लिए लॉन्ग प्रेस अगर हम कर रहे हैं बटन इसका वैल्यूम पावर बटन तो यहाँ पे स्विच ऑफ वाला भी ऑप्शन आ रहा है लेकिन इसके स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है, सब कुछ ब्लैंक हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में रियलमी के ज़्यादातर फ़ोन जाते हैं और जितने भी रियलमी के फ़ोन में अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो आपको इसको हार्ड रिसेट कर लेना है। हार्ड रिसेट करने के लिए आपको पावर बटन और वैल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके रखना है और जैसे ही फ़ोन खुले आपको पावर बटन से हाथ हटा देना है लेकिन वैल्यूम अप बटन दबाए रखना है। ध्यान रखिए जो भी मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पे इस प्रकार का फंक्शन खुलेगा तो वैल्यूम डाउन बटन से आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक बार वैल्यूम अप बटन दबाना है और उसके बाद से पावर बटन दबा देना है। तो ऐसा करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो हार्ड रिसेट हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट वैल्यूम अप बटन अगर नहीं दबाते हैं, आप डायरेक्ट पावर बटन दबा देते हैं तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। आपको पूरा नीचे आके एक बार वैल्यूम अप बटन दबाना है तब पावर बटन दबाना है, ये बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है ये अभी देखिए पूरी तरह से फैक्ट्री डाटा रीसेट हो चुका है, यानी कि हार्ड रीसेट हमने कर दिया है। अब यहाँ पे फ़ोन थोड़ा सा खुलने में टाइम लगेगा तो यहाँ पे एक ही वीडियो में मैंने आपको हार्ड रीसेट करने का तरीका भी बता दिया, आगे चल के आपको इसका FRP भी मतलब बता दूंगा। और इसके अलावा ये फ़ोन जो आपका देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ब्लैंक डिस्प्ले हो गया था तो वो प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो एक ही वीडियो में मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी है। यहाँ पे अभी फ़ोन थोड़ा सा हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस फ़ोन को खुलने में, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन खुल चुका है और अब हम आपको फटाफट से इसका दिखाए थे कि इसमें FRP लॉक है कि नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी वाईफाई से आप फ़ोन कनेक्ट कर लीजिए, हालांकि हमारे फ़ोन में सिम है लेकिन फिर भी मैं अपने फ़ोन को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देर तक ये फ़ोन गोल गोल यहाँ भी घूमेगा, यहाँ भी आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वीडियो तो हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है तो हमारा तो टाइम कम लगेगा लेकिन आपको बहुत देर तक इसमें वेट करना पड़ेगा। ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोने पे आपको एक लॉक का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये लॉक का मतलब यही है कि इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ है। तो जब तक आप इसमें आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक ये मतलब फ़ोन खुलेगा नहीं, या फिर इसमें Gmail ID का लॉक मतलब Gmail ID डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे खोलेंगे ये तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बिल्कुल बिना स्किप किए आप लोग को देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Gmail ID का आपने देख लिया। अब यहाँ पे हमने इसको वाईफाई से कनेक्ट किया, अब आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद इमरजेंसी पे जाके यहाँ पे ओपन क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करके देखिए तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें SPD CPU है तो Realme में ज़्यादातर में जो सस्ते फ़ोन है उसमें SPD CPU रहता है लेकिन इसमें ये फंक्शन जो है इमरजेंसी वाला ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के टर्न ऑन कर लेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई करेंगे, वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाएंगे और यहाँ पे उल्टा L बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये वाला भी मेथड इसमें काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने उल्टा L बनाने की बहुत कोशिश की बट यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा L तो बना रहे हैं बट यहाँ पे यूज वॉइस कमांड का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये मेथड भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब आपको आगे क्या करना है ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे ये मेथड हमारा काम नहीं किया तो हम इसको क्या कर लेंगे, फिर से हटा लेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के अपने टॉकबैक को ऑफ कर लेते हैं। अब हम तीसरा मेथड ट्राई करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे जाने के बाद से यहाँ पे ओके करेंगे एंड यहाँ पे हम एक बार देखते हैं कुछ टाइप करके कि यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद कोई ऑप्शन आता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ डिनाई करेंगे 3 बार। देखिए सारी फंक्शन को आपको ट्राई करना है बारी बारी से, तो हम सारी स्टेप को बारी बारी से देख के ट्राई करके देखते हैं कौन सा फंक्शन इसमें वर्क कर रहा है। हालांकि जब वीडियो बना रहा है तो आपको कहीं ना कहीं से आपको कैसे भी करके इसको अनलॉक करके ही हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला मेथड भी फेल हो गया। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सारा मेथड फेल हो चुका है। अब हमें एक मेथड हमने ट्राई किया है और वर्क किया, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी देर बाद फिर से बना रहा हूँ। तो ये मेथड आपका 100% वर्किंग है। तो आपको अब क्या कर रहा है पूरा वीडियो में आपको पूरी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा फिर से हमको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है जहाँ पे, तो इस जगह पे आपको हमेशा फ़ोन जब आपका चालू होता है और फर्स्ट टाइम चालू होता है तब तो बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट नहीं जाना है, यहाँ पे बैक चले जाना है। बैक आने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे एक सबसे
फर्स्ट नंबर पे आई का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके एकदम उसके नीचे चले आना है, पूरा नीचे आइए एकदम लास्ट में, और यहाँ पे देखिए एक रियलमी का ऑप्शन आ रहा है, ओपन कर लेना है, यहाँ पे स्किप कर लेना है, एंड यहाँ पे लर्न मोर का ऊपर कोने पे ऑप्शन दिख रहा होगा लर्न मोर, उस पर क्लिक करना है। लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद से अब आपको क्या होगा कि थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ खुलेगा, तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए खुल गया, अब ऊपर आपको देखिए एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है ऊपर सबसे, उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको गूगल गो पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप नीचे भी देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तो गूगल पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्पीच का ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं कुछ लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट गूगल का जो स्पीच है जो आप लोग बोल के मंगाते हैं कुछ भी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। बट मैं यहाँ पे सेटिंग सर्च कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका थोड़ा सा ये प्रोसेस बढ़ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सेटिंग जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे में आपको गूगल वॉयस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको वॉयस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अगर सर्च करोगे तो कितना भी सर्च कर लो, यहाँ से सेटिंग आपका नहीं खुलने वाला है, आपको गूगल वॉयस की मदद लेनी है और ये गूगल वॉयस से ही खुलेगा। तो यहाँ गूगल वॉयस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे अब आपको सेटिंग सर्च बोलना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग बोलेंगे तो सेटिंग बोल लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लिखने का भी ऑप्शन आता है, सेटिंग्स यहाँ पे लिख लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग आया और हमने सेटिंग्स पे क्लिक किया, तो अब देख सकते हैं हमारा जो है ये सेटिंग अभी ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा सेटिंग पे क्लिक किया हमने, सेटिंग ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे चले आना है और एप्लीकेशन में आ जाना है, यहाँ पे आपको ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले ऐप एंड नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपको तीन एप्लीकेशन को बंद करना है। सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा होगा एंड्रॉयड सेटअप का, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से फोर्स स्टॉप कर लेंगे। फोर्स स्टॉप करने के बाद से अब आपको चले जाना है गूगल प्ले सर्विस को, और यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस को भी यहाँ पे डिसेबल करके फोर्स स्टॉप कर लेना है। तो यहाँ पे अनेबल है, इसको हम डिसेबल कर लेते हैं, और डिसेबल करने के बाद फोर्स स्टॉप भी हमने कर लिया है। और यहाँ पे वीडियो कई जगह पर हमने काट छांट किया, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको वीडियो फेक बन रहा है, आप ट्राई करिए, जो जो मैं बता रहा हूँ 100% वर्किंग वीडियो है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को भी यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो ये चीज़ आपने कर लिया, अब आपको पूरा बैक चले जाना है, पूरा बैक एकदम स्टार्ट जहाँ से आपने फ़ोन खोला था। अब आपको पूरी सेटअप को नॉर्मली करना है जैसे आप फ़ोन का सेटअप करते हो, और आप देखोगे कि आपका जो फ़ोन है इसका FRP जो है वो बाईपास हो गया रहेगा। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने इस फ़ोन का FRP को बाईपास कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आप इसी प्रकार के वीडियोज़ को हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट जरूर करिए ताकि हमारा भी थोड़ा सा ये छोटा सा जो चैनल है वो ग्रो हो पाए, और आप लोगों की सपोर्ट हमेशा हमें मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट वाली वीडियो लाते रहें। तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या करना है, जो नॉर्मल सा सेटिंग है, सेटअप है, इसका हमें कंप्लीट कर लेना है फटाफट से। और जैसे ही आप इसका सेटअप कंप्लीट करोगे, अब यहाँ पे कोई भी FRP वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहा है, देखिए स्किप का ऑप्शन आ गया है पासवर्ड सेट करने की जगह पे, और यहाँ पे फिर से एक बार हम स्किप कर लेंगे एंड देख सकते हैं हमारा फ़ोन का FRP बाईपास हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। सॉरी, एक चीज़ आपको करना है, यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस को ऑन कर लेना है। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।